तमाम प्रकार से अन्याय हो रहा है कि वो अब सुरक्षित आकर भारत की नागरिकता हमारे देश में आकर ले सकते हैं। ऐसा कानून मोदी जी ने बना दिया। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति दिला दी। हमारी मातृशक्ति, मैं जहां भी जाता हूं, भी मैंने पूरे प्रदेश के अंदर मातृशक्ति बंधन महोत्सव, मातृशक्ति को समर्पित महोत्सव उनके उत्थान के लिए, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़े हों, अपना रोजगार करें, स्वरोजगार करें, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री उत्सव बहना योजना भी हम लाए। उनके उत्पादों को आज हर जगह, उनके लिए एक उत्पादों को विपणन के लिए बाजार मिले, उसका एक स्थान मिले, वो हमने तय किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज देश के अंदर, देश की आजादी के बाद, हमारी बहनों को, माताओं को, सबको मातृशक्ति को आगे लाने के लिए संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक पास कर दिया। आने वाले समय में 33% का आरक्षण विधायिका में भी हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। ऐसे अनेकों काम किए, मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सब जानते हैं। आप सबकी सरकार, उत्तराखंड की सरकार भी, वह भी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो वास्तव में देवभूमि में देवों की कृपा से, यहाँ के जन जन की आशीर्वाद से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चाहे समान नागरिक संहिता का कानून हो, वो उत्तराखंड से आज लागू हो गया है, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित कर दिया कि सबके लिए समान अधिकार होंगे, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड में होगा। और किंतु परंतु अब कुछ नहीं रह गया, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस कानून को हमारी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अपना अनुमोदन दे दिया है। जल्दी हम एक्ट के रूप में उसको लागू कर रहे हैं, उसकी हमने व्यवस्था कर दी है। धर्मांतरण राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भी हमने कठोर कानून बना दिया। इसके साथ साथ अतिक्रमण, ये देवभूमि है, आप देश दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो लोग आपके बारे में जैसे ही जानते हैं कि आप उत्तराखंड से हैं, देवभूमि से हैं, तो उनको आपको देखने का भाव बदल जाता है, उनका एक अलग प्रकार की जो मैं कहूं कि अनुभूति होती है कि नहीं, देवभूमि से आए हैं। तो देवभूमि कैसी होनी चाहिए? देवभूमि साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, आसपास श्रद्धा लोगों की बस्ती रहे। इसका जो मूल स्वरूप है, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, हमारे साधु महात्माओं का, देवभूमि में रहने वाले हर एक जन का एक भाव कैसा होना चाहिए, वो सब देवभूमि में दिखना चाहिए। पेड़ पौधों से, यहाँ की प्रकृति से, यहाँ की नदियों से, यहाँ के वनों से, यहाँ के पर्यावरण से, वो मूल स्वरूप खराब हो रहा था, उस मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमने पूरे राज्य के अंदर जो अवैध धार्मिक स्थल बनाकर जमीन हड़पने का काम लैंड जिहाद के रूप में किया जा रहा था, उसको भी हटाने का काम हमने प्रारंभ कर दिया। और 3500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करा दी है। पिछले दिनों आपने देखा बन भूलपुरा क्षेत्र हल्द्वानी में, हमारे राज्य में, ये जो शांत प्रदेश है जहां पर किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई उपद्रव नहीं होता है, कोई आगजनी नहीं होती है, कोई दंगा नहीं होता है, वहां कुछ लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया। हमारी महिला पुलिस के जवानों को, हमारी बहनों को, पत्रकारों को, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया जब वो अतिक्रमण हटाने गए थे। हमने कहा कि हम उत्तराखंड में सब लोग, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, हम सब बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं, लेकिन कोई भी कानून तोड़ने का काम करेगा, कोई आगजनी करने का काम करेगा, पथराव करेगा, मारपीट करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके खिलाफ कानून कठोरता से कार्रवाई करेगा। कठोर कानून, कानूनी कार्रवाई कठोरता से होगी। और जितने भी दंगाई थे, उपद्रवी थे, आपने देखा होगा सारे जेल की सलाखों में पीछे जा रहे हैं। और जो सरकारी संपत्ति का उन्होंने नुकसान किया है, उस सरकारी संपत्ति का नुकसान का जो भरपाई है, उसकी जो वसूली है, एक एक पाई उन्हीं से वसूली जाएगी। ये कानून भी हमने उत्तराखंड में बना दिया है जिससे कि अब इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हमारी मातृशक्ति को हमने 30% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में सुनिश्चित कर दिया है। इसके साथ साथ एक जो नकल को रोकने के लिए जो हम कानून लेकर आए हैं, वो हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, हमारे गरीब माता पिता जो अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाने के लिए अपना
संपूर्ण जीवन लगा देते हैं, कोई दूध बेचकर, कोई घर का घी बनाकर, कोई जो है सब्जी बेचकर, छोटी दुकान चलाकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आता था, बच्चे मेहनती होते थे, बड़े होशियार होते थे, बड़ी पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। भाइयों बहनों,